अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप को फ़ोटो बनाना नहीं आता तो आप किस तरह से बनाएं। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। फ़ोटो किस तरह का बनाना है आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है ना, ये एक तो ओरिजिनल है, ठीक है। दूसरा फ़ोटो जो है वो PNG में है। ये सेम फ़ोटो एक ही है, फ़ोटो एक है, ठीक है। उसको आपने ओरिजिनल और PNG को इकट्ठा किस तरह से करना है, ठीक है, उनको आपस में मिला देना है, वो आप किस तरह से बना सकते हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आप इस फ़ोटो को किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, PNG और ओरिजिनल वाले फ़ोटो को। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे भी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरे दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, आपने क्या करना है, आपने जो फ़ोटो को आपने मिलाना है ना, वो फ़ोटो आपने PNG लाजमी कर लेना है, ठीक है। PNG किस तरह से होता है उसकी भी वीडियो मैंने एक बनाई हुई है अलहदा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा PNG किस तरह से करें, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उस टॉपिक पर भी मेरी वीडियो है, वो मैं आई बटन में दे दूँगा, ठीक है, या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूँगा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, PNG फ़ोटो तो मैंने बना लिया है, और हम इस फ़ोटो को इकट्ठा किस तरह से करें। आपने कैनीमास्टर ऐप आपके पास होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे दोस्तों, किस क्वालिटी में आप फ़ोटो बनाना चाहते हो उस क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं 16:9 की क्वालिटी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, आपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बैकग्राउंड आ जाएंगे। आपने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है सफ़ेद, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ये काम कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, बाद फिर आपने लेयर पर आना है। उसके बाद फिर आप मीडिया के ऑप्शन पर आना है। मीडिया के ऑप्शन के आने के बाद आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये पिक्चर है हमारी। आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। आपको क्रोम का ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है, ताकि एक स्क्रीन में दो पिक्चर आ जाएं, ठीक है। इसको आपने काट के ओके कर देना है, यहाँ पर ओके कर दिया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपने इसको जिस तरह से रखना चाहते हो वहाँ आपने रख लेनी है। ये आपने काम कर लिया, उसके बाद आपने टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने लेयर के ऑप्शन पर आना है। लेयर पर आने के बाद मीडिया के ऑप्शन पर आना है। मीडिया के ऑप्शन के आने के बाद मेरे दोस्तों, आपने जो PNG फ़ोटो बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरा फ़ोटो है PNG, ये मैंने बनाया था, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ भी इसके मुताबिक आपने कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ये देख लो, इसका साइज़ बिल्कुल सेम हो गया। ये आपने इसका साइज़ करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपने PNG वाले फ़ोटो के ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। PNG वाला ये है फ़ोटो। अब आपने इसको यहाँ से खींच लेना है, ये देख लो, यहाँ पर रख देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर रखने के बाद आपने क्या करना है, इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है। थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको बैक कर देना है, ये सेंड टू बैक, क्योंकि आपको समझ आ रही होगी, ये आप देख रहे हो ना। मज़ीद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर तस्वीर है, ये बैक चली जाएगी, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा और रुख थोड़ा कर ले इस तरह से, ठीक है। अब आपने इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है। थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने बैक कर देना है, सेंड टू बैक, ये देख लो बैक हो चुकी है। ये तो आपका काम यहाँ से मुकम्मल हो गया। अब आपने तस्वीर किस तरह से लेनी है,
तस्वीर लेना बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्तों। आपने ये देख लेना है नीचे कहीं से क्लिक तो नहीं हुआ। जब आपका क्लिक ना हो उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका क्लिक हो तो ऑप्शन ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये आपको ऑप्शन नज़र आया सेंड सेफ पिक्चर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपकी पिक्चर सेफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी पिक्चर आएगी कहाँ से? ये हमारे मोबाइल की गैलरी या एसडी कार्ड मोबाइल स्टोरेज में सेफ हो चुकी है। ये आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मज़ीद मैं आपको ना ये पिक्चर सेंड करके बता देता हूँ। ये देख रहे हो व्हाट्सएप मेरा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये मैं पिक्चर आपको सेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इस जो है नंबर पर सेंड करता हूँ। अब मैं इस कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर हमारी खड़ी है आपके सामने। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी ये पिक्चर, ठीक है। मेरे दोस्तों आज की यही थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।